हाँ जी सर, किसान वीरों, अज मैं थोड़े नाल सीधी बिजाई दे विच खाद प्रबंधन बारे गल करना चाहूँगा। किसान वीरों, खाद प्रबंधन दे लई सब तो पहले जरूरी ये है कि आपां मिट्टी टैसट करवा लीए। जे मिट्टी टैसट नहीं करवाई हुई तो फिर पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी दी सिफारशां दे हिसाब नाल मैं तुहानूं कुछ नुक्ते दसना चाहूँगा। सब तो पहला जे मैं गल करां नाइट्रोजन की, तो सीधी बिजाई दे विच यूरिया जिहड़ी खाद हैगी आ उहदी जिहड़ी सिफारिश की गई है वह 130 किलो यूरिया प्रति एकड़ सिफारिश की गई है। तो उहदे पाउण दा समां 469 पहली डोज़, 1/3 हिस्सा 4th हफ्ते, फिर 1/3 हिस्सा 6th हफ्ते, तो फिर 1/3 हिस्सा 9th हफ्ते के आप जी यूरिया खाद पानी है। किसान वीरों, दूजी गल करा मैं फॉसफोरस की, तो असं ये कहने भी झोने के सू फॉसफोरस खाद पाने की लोड़ नहीं, क्योंकि जी आप फॉसफोरस खाद या DAP की फॉर्म के जो आप कणक के पा दें, आप हाड़ी वाले सीजन के पा दें, फिर सौनी वाले सीजन में आप खाद पाने की लड़ नहीं, क्योंकि वो वाली खाद ही अपनी जी फॉसफोरस खाद हैगी झोने मिल जाती है। तीजी गल किसान वीरों, जो मैं पोटाश की करा, तो पोटाश की वरतों केवल तो केवल उन्होंने खेतों में ही करनी है जिथे अपनी रिपोर्ट के हिसाब न पोटाश की कमी हैगी है, अदरवाइज़ आपको पोटाश की लुपाने की लड़ नहीं, बेलोड़ा खर्चा है जो अपने आप के जोड़ रहे हैं। किसान वीरों, इसी मोटे तत्तों की गल। हुण जे मैं किसान वीरों छोटे तत्तों की गल करा, तो सब तो जरूरी गल जी हैगी है छोटे तत्तों के वो आउंदी है, दो तत्त हैगे ने जिंक ते लोहा, जिन्हां बारे ज़्यादातर चर्चा की जाती है झोने के विच। सीधी जाई दे विच तां खास करके लोहे की गल करन आउंदी है। किसान वीरों, जे मैं जिंक की गल करा, तो जिंक की घाट की जिहड़ी निशानी हैगी आपां नूं पता वी जिंक की जदों घाट आउंदी है ते आपणे जिहड़े पत्ते आ उह जंगाले जिहे दिखण लग पैंदे आ, उहनां खेतां दे विच आपां जिंक की जदों आपां गल करनी आ, जिंक आपां पाउणी आ जिंक सल्फेट की फॉर्म के। जिंक सल्फेट दो तरह की आउंदी है, एक मोनोहाइड्रेट एक हैप्टाहाइड्रेट, जिन्हों जो आप 33% 21% कह दें। जिहड़ी अपनी जिंक 33% है वह आप 6.5 किलो प्रति एकड़, तो जिहड़ी अपनी जिंक 21% है वह आप 10 किलो प्रति एकड़ की वरतों करनी है। तो आप खेत जो वाल आप तैयार करना वा उदो पहला खेत के पा देनी है, ताकि जी जिंक हैगी उस टाइम तक अपने बूटिया लवाई तो बाद मिलने तैयार हो जाए। किसानों को दूजी गल करनी चाहना वा DSR के बहुत ज़्यादा गल आप देखने मिलती है लोहे की घाट, क्योंकि अपना खेत सुक्का होंगे गा उस लोहे की घाट आने के चांसिस ज़्यादा रेंदे आ। लोहे की घाट की किसान वीरों निशानी यह है भी जे अपने नवे पत्ते निकलणगे वो हल्के रंग के निकलणगे, पीले रंग के निकलणगे, तोतिया जी भा मारूगा आपां नूं दूरों खेत। उस अवस्था के जो आप पता लगता है साढ़े खेत में लोहे की घाट आनी शुरू हो गई है, तो आप लोहे की जी कमी हैगी 1 किलो लोहा फैरस सल्फेट के नाम से सॉल्ट आता वा, होर कुछ नहीं लैना, कला फैरस सल्फेट के नाम से सॉल्ट लैना वा। 1 किलो आप 100 लीटर पानी के पा के आप स्परेयां करनिया शुरू करनिया ने, तो स्परेयां आप हफ्ते हफ्ते के फर्क वक्फे तो घटा के 5-5 दिन से भी कर सकते हैं, हफ्ते हफ्ते वक्फे भी कर सकते हैं। तो ये स्परेयां आप उदो तक करनिया ने जदों तक आपां नूं ऐ लगता भी साडी जिहड़ी फसल हैगी आ उह लोहे की घाट तो उभर के बाहर आ चुकी है। किसान वीरों, ये 2-3 जिहड़ियां गल्लां हैगियां ने होर वड्डे तत्तां बारे या छोटे तत्तां बारे, ये आपां अपनी सीधी बिजाई दे विच खाद प्रबंधन जरूर ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, सत श्री अकाल।